how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So today we're gonna review this oil that is from Nature Glam hair oil, and सबसे पहले इसकी unboxing कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको इसका एक हेयर मास्क बनाना सिखाऊंगी और what are its results and how it react, does it worth buying product or does it really work or not, क्योंकि I have to have a product for hair that must work. So yeah, if you want to learn that does it really work, then keep on watching. अच्छा चलिए सबसे पहले मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा दी क्योंकि ये बड़ी प्यारी पैकेजिंग में मेरे पास आया था. अच्छा ये जूट की एक बनी हुई पोटली है, पाउच है, जिसके अंदर से मुझे ये बॉटल रिसीव हुई थी. इसके ऊपर एक रिबन सा लगा हुआ था और इसको बाहर निकालने पर एक प्लास्टिक की बॉटल है, विच इज़ आई थिंक वेरी ड्यूरेबल. ये बॉटल्स प्लास्टिक की होनी चाहिए वरना ये ख़राब हो जाती हैं. क्वांटिटी इसकी 12 ml प्रोडक्ट है और इसके बेनिफिट्स सुन लें जी, कमाल के बेनिफिट्स हैं. इट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, स्टॉप हेयर फॉल्स, सॉफ्टन हेयर, स्ट्रेंथन हेयर, इम्प्रूव टेक्सचर, स्टॉप लाइस रिस्क, प्रिवेंट प्री एजिंग ग्रेइंग, prevent hair thinning, boost hair growth, hydrate and moisturize hair, frizz free, treat split ends, and their slogan is life is not perfect but your hair can be. I love it. ये जो है ना ब्रोशियर, इसके अंदर इसके सारे, एक तो आपके पास टाइम टेबल आ जाता है दैट हाउ टू यूज इट, एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे वाले सेक्शन में ना आपको DIY हेयर मास्क की रेसिपीज मिल जाती हैं यूजिंग दिस ऑयल. सो आई एम गोना यूज वन ऑफ द रेसिपीज एंड द ब्लू वन दैट सेज शाइनी एंड ग्रोथ मैजिक मास्क. आई एम गोना यूज दिस वन. सो पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बनाया कैसे. अच्छा इसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ दैट इज़ एलोवेरा, और उसको मैं एक पीलर से इसको स्किन जो है वो पील कर लूँगी और नाइफ के साथ इसको स्क्रेप करके अपने बाउल में ऐड कर लूँगी टू ऐड रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. इस तरह आई थिंक एलोवेरा को अगर यूज़ कर लिया जाए तो फ्रेश वन इज़ द बेस्ट फॉर योर हेयर, ट्रस्ट मी. एक दफ़ा फ्रेश एलोवेरा कभी बालों पर लगा के देख लें, इट गिव यू सच अ कंडीशनिंग जो आपको आम कंडीशनर से भी कभी नहीं मिली होगी. उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जी हर्बल ऑयल. पहले मैंने इसके अंदर 2 tablespoons डाले थे, देन आई थॉट कि मेरे हेयर्स जो हैं वो थोड़े लंबे हैं, सो आई ऐड 3 tablespoons, जो आई थिंक मेरी मिस्टेक थी. आई एम गोना लेट यू नो हाउ इन द एंड ऑफ द वीडियो, सो कीप ऑन वॉचिंग. इसके बाद मैं इसमें हनी ऐड कर रही हूँ और इसके साथ मैंने इसमें ऐड करना है जी 1/2 cup योगर्ट. कोशिश करिए अगर आप दही ले रही हैं तो वो थोड़ी सी खट्टी हो तो इट वर्क्स बेटर, ट्रस्ट मी. उसके बाद जी दही के बाद मैंने डालने हैं इसमें 2 ripe bananas. यस, जितने राइप हों उतने अच्छा है, बस ख़राब नहीं होने चाहिए. अच्छा इन बनानास को मैं एक कपड़े में से छान के डालूंगी क्योंकि इससे वो बनानास जो है वो बालों से सही निकलते नहीं. चलो जी अब बारी आ जाती है इसको बालों पर अप्लाई करने की. तो ये जो बैटर है या मास्क है ये आपने बालों की जड़ों में अप्लाई करना है, बालों के रूट से लगाना शुरू करना है, और इसको लगाने के बाद आपके बालों से सर से बहुत सारा पानी निकलेगा क्योंकि वो दही जो है वो आपके बालों और आपके सर की हीट को जो है वो निकालेगा और यू विल हैव लॉट्स ऑफ फॉल आउट्स ऑन योर फेस. उससे बिल्कुल मत घबराएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे आपके बालों को और डीप कंडीशनिंग नीचे तक मिलेगी. इसी तरह आप रूट्स को अप्लाई करने के बाद अपने एंड्स को पर भी ये मास्क अप्लाई करेंगे और तकरीबन 20 मिनट आपने ये बालों पे रखना है. ओके, माय फाइनल वर्डिक्ट इज दैट दिस ऑयल इज बिट हैवी फॉर मी. हैवी से मुराद ये है कि इसमें थोड़ा कोकोनट ऑयल डाला हुआ है विच रियली डजंट सूट्स माई हेयर. अच्छा जब भी आप इस तरह के मास्क अपने बालों पर लगाएं, याद रखें कि मास्क वॉश ऑफ करने के बाद हमने शैम्पू नहीं करना, उस दिन तो बिल्कुल नहीं करना. हाँ नेक्स्ट डे आप या 6 hours के बाद आप शैम्पू यूज़ करें एंड देन यू विल सी द ट्रू रिजल्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हेयर मास्क. ठीक है, मास्क वॉश ऑफ करने के बाद आपने फ़ौरन शैम्पू यूज़ नहीं करना. लेट वट एवर द प्रोडक्ट इज लेफ्ट इन योर हेयर लेट इट रेस्ट. ठीक है, उसको अपना काम कर लेने दें. जब वो अपना काम कर लेगा नेक्स्ट डे आप उसको शैम्पू से वॉश करें एंड देन यू विल फील द रिजल्ट. माई हेयर लुक्स सो मच हेल्दी एंड शाइनिंग. आई प्रॉमिस यू आई डिड नॉट यूज एनी स्ट्रेटनर. मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, यू कैन सी दे आर नॉट स्ट्रेट. ठीक है, मैंने स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया, मैंने कोई ब्लो ड्राई नहीं किया, इट्स जस्ट नेचुरली ड्राइड हेयर.
and I'm loving it. So I totally recommend, if you want to buy this, I will definitely put their website link in the description box, and the price you can check it from their website. So yeah, this is the whole video. Hope you like it, and if you like, then don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel so we can stay connected for more of these fun DIY videos. Thanks for watching, guys.